नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टेकटॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप L&T फाइनेंस का लोन अकाउंट नंबर कैसे पता कर सकते हो। दोस्तों, मान लो कि आपका लोन आपके अकाउंट से कट रहा था, लेकिन किसी कारण अभी आपके अकाउंट से नहीं कट पा रहा है, तो आप लोन अकाउंट नंबर, अगर आप लोन लिए थे, मतलब EMI कोई भी फाइनेंस कराए थे L&T फाइनेंस से, और उस टाइम आपको लोन अकाउंट नंबर मिला था जो कि हमेशा आपके अकाउंट से ही पैसा कट रहा था, तो आप उस लोन अकाउंट नंबर को भूल गए या कहीं मिसप्लेस हो गया, तो आप लोन अकाउंट नंबर कैसे पता कर सकते हो L&T फाइनेंस का, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि आप अगर L&T फाइनेंस के लोन अकाउंट नंबर पता करना चाहते हो, ताकि आप लोन अकाउंट नंबर से ऑनलाइन फोन पे, पेटीएम, कहीं पर भी जाके या दुकान पर जाके अपना L&T फाइनेंस का जो EMI है वो पे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए लोन अकाउंट नंबर, और लोन अकाउंट नंबर पता करने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप L&T फाइनेंस के कस्टमर केयर को कॉल लगा सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर मैं L&T फाइनेंस के कस्टमर केयर का नंबर भी दे दूंगा, ताकि आप कॉल नंबर देख के कॉल कर लेना। और दोस्तों, अगर आप L&T फाइनेंस के कस्टमर केयर से नंबर डायल करने के बावजूद नहीं बात कर पाते हो, तो मैंने इस चैनल पर L&T फाइनेंस के कस्टमर केयर से बात करके वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके आप वीडियो एक बार देख लेना कि कैसे L&T फाइनेंस के कस्टमर केयर से बात करते हैं, फिर आप L&T फाइनेंस के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। कॉल करने के बाद आपसे आपका नाम, और आप एक बात याद रखना कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो L&T फाइनेंस से फाइनेंस कराते समय जो आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया था, उसी मोबाइल नंबर से कस्टमर केयर को कॉल करना, और आप अपना नाम बताओगे, जो भी आधार नंबर, आपसे डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ पूछा जाएगा, जैसे आपने क्या L&T फाइनेंस से फाइनेंस कराया था, ये सब पूछा जाएगा। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर याद रखना, अगर आप किसी और नंबर से कॉल करोगे तो आपको लोन अकाउंट नंबर नहीं देगा। तो उसके बाद आपसे नाम उम पूछा जाएगा, और जब आप सब कुछ वेरीफाई करा दोगे तो आपको आपका लोन अकाउंट नंबर है वो दे दिया जाएगा मैसेज के भाया, या आपको लिखा देंगे कस्टमर केयर, तो आपको लोन अकाउंट नंबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप एक बात याद रखना कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल करना, और आप अपना जो आपके सारा जो ID है वो सही सही बताओगे, तभी आपको लोन अकाउंट नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद आपके अकाउंट से अगर पैसा EMI का नहीं कट रहा है, तो उस लोन अकाउंट नंबर से ही आप अपना EMI भर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।